भरुआ शिमला मिर्च बहुत ही मज़ेदार बनता है और इसे बनाना भी आसान है। आप इसे एज अ मेन कोर्स या फिर आप इसे स्टार्टर की तरह खा सकते हैं या स्नैक्स में खा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, यमी इंडियाज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे भरुआ शिमला मिर्च। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल बटन को भी दबा लें। इस रेसिपी में इस्तेमाल की हुई सामग्री का लिस्ट मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे 5-6 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं, उसे मैंने बॉईल कर लिया था। इसे हम फॉर्क से इस तरह से तोड़ लेंगे। ये सारे आलू टूट गए हैं अभी, इसे हमें बहुत बारीक नहीं करना है। अब हम चलते हैं इसे भुनने के लिए। मसाले के लिए मैंने एक फ्राइंग पैन को गर्म होने के लिए रख दिया था, यह अभी गर्म हो गया है। इसमें हम डाल लेंगे 1 छोटा चम्मच कुकिंग ऑयल, आप कोई सा भी तेल यूज़ कर सकते हैं। इसे गर्म हो जाने देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम डाल लेंगे 1/2 छोटा चम्मच खड़ा जीरा, इसे एक बार चला लेंगे। अब हम इसमें डाल लेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे कि मैंने बारीक काट लिया है, 3-4 कलियाँ लहसुन की जिसे मैंने बारीक काट लिया है, इसे मिला लेंगे। और बस 1/2 मिनट के लिए इसे ऐसे भून लेंगे। इसे भूनते हुए 1/2 मिनट हो गया है। अब हम इसमें डाल लेंगे पिसे मसाले, इसके लिए मैंने आँच को कम कर दिया है अभी। इसमें डालेंगे हम 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। इसे हम अच्छे से चला लेंगे, ध्यान रहे ये जले नहीं। आप इसे आलू डालने के बाद भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से डालने से इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। चलिए अब हम इसमें डाल लेते हैं मैश किया हुआ आलू। इसे हम एक बार चला लेंगे, इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको थोड़े खड़े आलू दिखे इसमें तो उसे मैश कर लीजिए। इससे इसे हमने अच्छे से मिला लिया है इसमें। अब हम इसमें डाल लेंगे नमक स्वाद अनुसार, मैंने यहाँ पे लगभग 3/4 छोटा चम्मच नमक यूज़ किया है, और 1/2 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, इसे भी हम मिला लेंगे। आँच को हम अभी तेज कर लेते हैं और इसे चलाते हुए लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लेंगे। ये मसाला आप बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो इसका समोसा भी बना सकते हैं। इसमें बस आपको अगर पसंद है तो मूंगफली डाल लें और आप इसको समोसे में यूज़ कर सकते हैं, इसका आप सैंडविच बना सकते हैं। इसे पकाते हुए लगभग 1.5 मिनट हो गया है और ये मसाला हमारा रेडी हो गया है। इसे अब हम किसी एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसे ठंडा हो जाने देंगे। जब तक ये मसाला ठंडा होता है तब तक हम शिमला मिर्च तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 3 शिमला मिर्च लिया है, मैंने अलग अलग कलर का लिया है, मेरे पास था तो मैंने वो यूज़ कर लिया है, आप चाहें तो किसी भी एक कलर का यूज़ कर सकते हैं। हम इसमें यहाँ से इसको इस तरह से कट करेंगे और ये जो डंठल है ये निकाल लेंगे। मैंने छोटा चाकू यूज़ किया है, इससे आसानी से ये निकल जाएगा। ये मैंने डंठल निकाल दिया है इसका। अब हम इसके अंदर से बीज को भी निकाल लेंगे, आराम से कट करिए इसे। ये हमने सारे बीज इसमें से निकाल दिए हैं अभी, ये देखिए ये सारे बीज निकल गए हैं अब इसमें से। इसे हम एक तरफ रख लेंगे और ऐसे ही हम बाकी शिमला मिर्च से भी बीज निकाल लेंगे। ये हमारे सारे शिमला मिर्च तैयार हो गए हैं। अब हम इसमें मसाला फिल कर लेंगे। हम इसे इस तरह से लेंगे मसाले को और इसमें इसे डाल लेंगे। इसे अच्छे से भर लेना है इसमें। आप चाहें तो हाथ से भी भर सकते हैं,
ये देखिए ये अच्छे से इसमें भर गया है अभी। थोड़ा सा और डाल देते हैं, ये अच्छे से भर गया है अभी। इसे हम एक तरफ रख लेते हैं, ऐसे ही हम बाकी शिमला मिर्च में भी ये मसाला भर लेंगे अच्छे से। ये हमारे सारे शिमला मिर्च तैयार हो गए हैं, अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। हमने एक कढ़ाई ले लिया है, उसे गर्म होने के लिए रख दिया था हमने, ये भी गर्म हो गया है। इसमें हम डाल लेंगे 1 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल, इसे गर्म हो जाने देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब हम आंच को लो टू मीडियम कर लेंगे और इसमें शिमला मिर्च इस तरह से डाल देंगे। अब हम इसका लिड लगा देंगे, धीमी आंच में ही 2 मिनट के लिए पकने देंगे। 2 मिनट हो गया इसे पकाते हुए, एक बार चेक कर लेते हैं। इसे हम पलट लेंगे, और इसे ढककर 2 मिनट और पकने देते हैं। अभी हमें हर तरफ से इसे अच्छे से पका लेना है। 2 मिनट हो गया है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। इसे हम पलट लेंगे, ढककर हम इसे 2 मिनट के लिए और पकने देते हैं, फिर आके चेक करेंगे। ऐसे करते पकाते हुए इसे लगभग 16 मिनट हो गया है, हम हर 2 मिनट के बाद इसे पलट दे रहे थे। ये हमारा तैयार हो गया है, हम इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे अभी। ये लीजिए, मज़ेदार भरुआ शिमला मिर्च बनके तैयार हो गया है, आप इसका लुत्फ़ उठाएं। अगर आपको ये वीडियो इंग्लिश में देखना है तो आप हमारे इंग्लिश चैनल पर जाएं, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो करें, उसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी कुकिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।